प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन की बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है, मैं एक सीनियर साइकैट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है? सेक्स का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो आमतौर पर 2 मिनट से 10 मिनट के बीच में रहता है। अमूमन अगर आप एक एवरेज की बात करें तो जो एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, कई कंट्रीज़ में स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया कि लगभग 5-5.5 मिनट के बीच में अगर सेक्स हो पा रहा है तो उसको एवरेज टाइम माना जाता है। लेकिन अगर आप रेंज की बात करें तो 2 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक लगाया जा सकता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन को हम डिफाइन करते हैं अगर सेक्सुअल ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। पहले बात की जाती थी कि अगर सेक्सुअल ड्यूरेशन 2 मिनट से भी कम हो जाए, 2 मिनट से पहले ही इजैकुलेशन हो जाए तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहा जाएगा। कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, DSM-5 करके एक गाइडलाइन है, वो कहती है कि अगर इजैकुलेशन 1 मिनट से भी पहले हो जाए तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपका पार्टनर और आप दोनों सेटिस्फाइड नहीं हैं उसके पहले इजैकुलेशन हो जाए तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो ये 2-3 डेफिनेशंस हैं, बट मोटा मोटा 2 मिनट या फिर 1.5 मिनट, इससे पहले अगर डिस्चार्ज हो जाए तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती क्यों है? कई स्टडीज़ ने कई चीज़ें पाई हैं। बेसिक चीज़ बोली जाती है कि आपका जो पीनिस है, पीनिस की अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, उसकी वजह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। कुछ स्टडीज़ ने पाया है कि ब्रेन में केमिकल होता है सेरोटोनिन करके, अगर उसके लेवल्स कम हो जाएं तो उसकी वजह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है। और एक थ्योरी ये कहती है कि जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि शरीर ने सीखी है। ऐसा बोला जाता है कि सेक्स जो है वो एक रिदम की चीज़ है, एक पैटर्न की चीज़ है। आपके शरीर ने जो भी पैटर्न डेवलप कर लिया, आपका शरीर मोटा मोटा उसी पैटर्न पर चलता रहता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर का पैटर्न बन गया है 3 मिनट का, कि आपका बॉडी 3 मिनट तक सेक्स करती है, उसके बाद एक्साइटमेंट पीक पहुँच के डिस्चार्ज होता है, तो आप देखेंगे कि 3 मिनट के आसपास ही आपका सेक्सुअल ड्यूरेशन रहेगा। और अगर किसी के बॉडी का पैटर्न 30 सेकंड का बन गया है, रैपिड एक्साइटमेंट और डिस्चार्ज का, तो लगभग 30 सेकंड के आसपास ही रहेगा। तो एक लेवल पे बोला जाता है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन बेसिकली एक एबनॉर्मल रिदम है या फिर एबनॉर्मल पैटर्न है, और क्योंकि एक एबनॉर्मल पैटर्न डेवलप हुआ है तो इसको नॉर्मल पैटर्न में भी डेवलप किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट क्या है। अगेन, एक एबनॉर्मल पैटर्न डेवलप हुआ है, हमारा एम रहता है कि पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के सहारे, मेडिकेशंस के सहारे उस पैटर्न को नॉर्मल किया जाए। धीरे धीरे बॉडी उस नॉर्मल पैटर्न में कई बार फिट होने लगती है, यूज टू होने लगती है, और तब उस मेडिकल सपोर्ट को कम कम करके बंद कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम SSRIs बोलते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनका इस्तेमाल सबसे कॉमनली किया जाता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा PDE5 इनहिबिटर्स, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स, ये कुछ ऐसी मेडिकेशन हैं जो कि प्राइमरली इरेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, बट लो डोज में इनका भी यूज़ किया जाता है PME में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन में। और भी कई टाइप की मेडिसिन होती हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार मेडिसिन की जगह लोग प्रेफर करते हैं कुछ ऐसे स्प्रेज यूज़ करना जो कि टाइम बढ़ा देते हैं। अब स्प्रे में दिक्कत यह है, उसका बेसिकली काम करने का तरीका यह है कि उस स्प्रे में एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो कि पीनिस को एक तरीके से नम कर देता है, आपके नर्व्स को नम कर देता है। अब नर्व्स नम हो गई तो एक्साइटमेंट बढ़ेगा ही नहीं, और एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगा तो ड्यूरेशन ऑफ सेक्स बढ़ जाएगा। बट दिक्कत ये आती है कि अगर नर्व्स नम हो गई हैं तो कई बार जो पेशेंट है जो कि स्प्रे यूज़ कर रहा है उसको सेक्सुअल इन्जॉयमेंट ज़ीरो हो जाता है, उसको कुछ फील ही नहीं होता है। और कई बार ये भी दिक्कत आती है क्योंकि उसको कुछ फील नहीं हो रहा है तो इरेक्शन ही ख़राब हो जाता है। तो स्प्रे को यूज़ करना ऑल दो टेम्परेरली कोई ख़राब नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए, जैसे कि कीगल्स एक्सरसाइज हो गई, या फिर कुछ और टेक्निक होती हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक या फिर स्क्वीज टेक्निक, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इन टेक्निक्स के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, और ये टेक्निक्स काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए। तो आमतौर पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स, मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ यूज़ ऑफ टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट दे पाता है।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील मत करिए, बहुत ज़्यादा शर्म फील मत करिए। ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, शरीर के किसी भी हिस्से में बीमारी हो सकती है, तो आपके सेक्सुअल पार्ट्स में भी दिक्कत हो सकती है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और इससे बाहर निकलिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग सेक्स को करना ही अवॉइड कर देते हैं, उनको लगता है कि एम्बेरेसमेंट होगी, शर्मसार होंगे पार्टनर के सामने, तो इस चीज़ को करो ही मत, लेकिन वो प्रॉब्लम को और बढ़ाता है, वो कम नहीं करता। तो प्री मैच्योर एजेकुलेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मेल्स में होने वाली सबसे कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और इसका इलाज संभव है। आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, ऐसे ही खुद से जाके मेडिकल स्टोर से दवाई मत खरीदिए या फिर अनक्वालिफाइड लोगों के पास मत जाइए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इस प्री मैच्योर एजेकुलेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। हमारा प्रयास यही रहता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में मेडिकल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।